सो हाय एवरीवन दोस्तों, आप सबका फिर से एक वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में भी इनवाइट कोलैबोरेटर का जो ऑप्शन होता है वो शो नहीं कर रहा है तो भाई कैसे आप उसको अपने अकाउंट पर ला सकते हो। क्योंकि काफी सारे बंदे इस चीज से परेशान हो जाते हैं, वो कोई फोटो या फिर रील्स अपलोड करते हैं ना तो वो ये चाहते हैं कि भाई हम एक दूसरे की आईडी पर अपलोड करें, जो आपका फ्रेंड होगा आप चाहते हैं भाई उसकी आईडी पर भी अपलोड हो जाए। और ये काम तभी होता है अगर आपका इनवाइट कोलैबोरेटर का ऑप्शन काम कर रहा हो। अगर ये आपका काम नहीं कर रहा है तो ऐसे में आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे अगर आपके अकाउंट पर भी इनवाइट कोलैबोरेटर का ऑप्शन होता है अगर वो सो नहीं कर रहा है तो भाई आपको कैसे लाना है, और अगर आपने अपना नया अकाउंट बनाया है तो उस पर आप कोलैब का फीचर्स कैसे ला सकते हो, या फिर आपका पुराना अकाउंट है उस पर सो नहीं कर रहा तो आपको उस पर कैसे लाना है, और इसके पीछे के रीजन क्या होते हैं अगर आपके अकाउंट पर सो नहीं कर रहा है और कैसे आप उसको सही कर सकते हो, तो सारी चीजें जानेंगे। ये वीडियो में बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद बना रहा हूं क्योंकि मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका था, उन वीडियो से काफी लोगों की हेल्प भी हुई है, काफी का इनवाइट कोलैबोरेटर का ऑप्शन आ भी गया है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। लेकिन वहीं पर काफी सारे बंदे ऐसे भी हैं जो ये बोल रहे थे भाई हमारा अभी भी नहीं आया। तो जिन जिन लोगों के अकाउंट पर इनवाइट कोलैबोरेटर का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है तो वो लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें क्योंकि तभी आपकी समझ में आएगा, एंड वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना भाई, तभी आप समझ पाओगे कि आपको अपने अकाउंट को सही कैसे करना है अगर आपके अकाउंट पर इनवाइट कोलैबोरेटर का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ विद प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं भाई कैसे आपको क्या करना है, तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर आपके लिए इंस्टाग्राम से रिलेटेड ही वीडियो बनाता रहता हूं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। साइड में आपको मोबाइल स्क्रीन दिखाई दे रही होगी, यहां पर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहां पर हम अपने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेते हैं। वही जैसा कि आप देख सकते हो भाई यहां पर हम अपने इंस्टाग्राम ऐप पर आ चुके हैं, तो सबसे पहले यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम प्लस वाले आइकन पर क्लिक करते हैं एंड यहां पर हम भाई कोई भी पोस्ट लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर मैंने ये वाला पोस्ट ले लिया एंड गाइस उसके बाद यहां पर हम क्या करेंगे भाई, यहां पर हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे एंड उसके बाद यहां पर हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। ठीक है, एंड इसके बाद यहां पर हम फिर से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड यहां पर अभी प्रोसेसिंग चल रही है, अब यहां पर हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है। अब यहां पर हम ओके पर क्लिक करते हैं, यहां पर हम टैग पीपल पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो भाई यहां पर जो है ना अभी इनवाइट कोलैबोरेटर का ऑप्शन शो कर रहा है क्योंकि भाई इस आईडी पर मैंने वो ट्रिक अप्लाई की थी एंड यहां पर आप देख सकते हो अगर आपके अकाउंट पर इनवाइट कोलैबोरेटर का ऑप्शन ऑन नहीं होगा ना, आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ ऐड टैग का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि यहां पर आप सिर्फ टैग कर पाओगे, मतलब अपने फ्रेंड्स वगैरह को सिर्फ टैग कर पाओगे। एंड यहां पर बात करते हैं कि आपको अपने अकाउंट पर इनवाइट कोलैबोरेटर का ऑप्शन कैसे लाना है। ठीक है, जैसे कि आप देखते हो यहां पर मैं इसको बैक कर देता हूं एंड यहां पर मैं इसको पूरा बैक कर देता हूं। ठीक है, आपको अपने अकाउंट पर इनवाइट कोलैबोरेटर का ऑप्शन कैसे लाना है उसके लिए यहां पर मैं आपको चार ट्रिक बताने वाला हूं, तो चारों की चारों ट्रिक आपको अपने अकाउंट पर अप्लाई करनी पड़ेगी तभी आपके अकाउंट पर इनवाइट कोलैबोरेटर का ऑप्शन आएगा। और यहां पर जो भाई तीसरी और चौथे वाली ट्रिक है वो ट्रिक अप्लाई करने के बाद ही इस वाले अकाउंट पर इनवाइट कोलैबोरेटर का ऑप्शन आया है, तो यहां पर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो गाइस आपको अपने अकाउंट पर इनवाइट कोलैबोरेटर का ऑप्शन कैसे लाना है ये तो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं इसका क्राइटेरिया क्या है, यानी कि आपके फॉलोअर्स वगैरह कितने होने चाहिए और यहां पर आपके अकाउंट पर क्या चीजें होनी चाहिए जिससे ये आपके अकाउंट पर ऑटोमेटिकली एनेबल हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर बात आती है कि आपके अकाउंट पर फॉलोअर्स कितने होने चाहिए। तो भाई देखो यहां पर आपके अकाउंट पर फॉलोअर्स यहां पर मैटर नहीं करते हैं, आपके अकाउंट पर 50-60 फॉलोअर या फिर 100 फॉलोअर तो भी यहां पर आपको इनवाइट कोलैबोरेटर का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि आप देखते हो इस आईडी पर 120 फॉलोअर है बट यहां पर फिर भी इसका अभी यहां पर इनवाइट कोलैबोरेटर का जो फीचर्स है वो एनेबल हो चुका है। भाई ये तो आप समझ गए कि आपके अकाउंट पर फॉलोअर्स मैटर नहीं करते हैं। अब यहां पर बात करते हैं सेकंड रीजन की। तो गाइस यहां पर आपको करना क्या है भाई, यहां पर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे तो गाइस यहां पर आपको चेक करना है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है यहां पर आपको चेक करना है कि आपकी यहां पर 18 से कम तो नहीं है, क्योंकि भाई जो 18 से कम के लोग हैं उनके लिए यहां पर इनवाइट कोलैबोरेटर का ऑप्शन है वो भाई एलिजिबल नहीं है। क्योंकि गाइस मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर का मेरे पास मैसेज आया था एंड मैंने उनकी आईडी को लॉग इन किया तो मैंने चेक किया कि उनकी आईडी में सब कुछ सही था बट फिर भी इनवाइट कोलैबोरेटर का फीचर शो नहीं कर रहा था। तो मैंने क्या किया भाई, उनकी आईडी में डेट ऑफ बर्थ को चेंज किया, यानी 18 प्लस किया, क्योंकि उनकी आईडी में उनकी एज 18 से कम थी, तो हमने जैसे ही मतलब 18 प्लस किया एंड अपडेट किया आईडी तो भाई कुछ ही मिनट के बाद इनवाइट कोलैबोरेटर का ऑप्शन आ गया था। तो आप ये भी ट्रिक अप्लाई कर सकते हो एंड यहां पर मैं आपको और बताता हूं। ठीक है, यहां पर हम प्रोफाइल पर टैप करते हैं एंड गाइस यहां पर आपको करना क्या भाई, आपको इसके बाद यहां पर आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है, यहां पर आपको ब्रांडेड कंटेंट पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हो एंड यहां पर आपको चेक करना है कि आपका ब्रांडेड कंटेंट जो होता है ये एलिजिबल है या नहीं। अगर आपका ये एलिजिबल नहीं होगा, अगर आपका यहां पर इनएलिजिबल शो कर रहा होगा, यहां पर आपको रेड कलर का क्लोज का आइकन शो कर रहा होगा, तो गाइस यहां पर आपका इनवाइट कोलैबोरेटर का ऑप्शन डिसेबल ही रहेगा। तब तक ये एलिजिबल नहीं होगा तब तक आप इनवाइट कोलैबोरेटर का ऑप्शन का फायदा नहीं उठा सकते हो। अब इसको एलिजिबल कैसे करना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहो तो वहां से जाकर देख सकते हो या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर भी देख सकते हो। ठीक है, तो गाइस ये भी एक रीजन हो सकता है आपके अकाउंट पर इनवाइट कोलैबोरेटर एनेबल ना होने का। ठीक है, तो यहां पर हम इसको बैक कर देते हैं। अब गाइस यहां पर आपको एक चीज और चेक करनी है, यहां पर आपको थ्री लाइन पर क्लिक करना है एंड यहां पर आपको सेटिंग में आना है। भाई सेटिंग में आने के बाद यहां पर आपको अकाउंट पर क्लिक करना है, यहां पर आपको अकाउंट स्टेटस पर क्लिक कर देना है एंड यहां पर आपको चेक करना है भाई आपके अकाउंट पर कोई गाइडलाइन स्ट्राइक तो नहीं है। अगर आपके अकाउंट पर कोई गाइडलाइन स्ट्राइक होगी तो भाई यहां पर आपके अकाउंट पर इनवाइट कोलैबोरेटर का जो फीचर्स होता है ये एनेबल नहीं होगा। ठीक है, यहां पर आपको चेक लेना है, अगर आपके कम्युनिटी गाइडलाइंस के सामने येलो कलर का वार्निंग का लोगो शो कर रहा है तो यहां पर आपके अकाउंट पर गाइडलाइन स्ट्राइक आ चुकी है एंड जब तक ये आपकी नहीं हटेगी भाई तब तक आपके अकाउंट पर इनवाइट कोलैबोरेटर का फीचर्स नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपके अकाउंट पर गाइडलाइन स्ट्राइक आ चुकी है तो कैसे आप उस
स्क्रू करना है इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर भी देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कि आपके अकाउंट पर कोई स्ट्राइक तो नहीं है। अब यहाँ पर हम इसको बैक करते हैं, यहाँ पर चलते हैं प्रोफाइल पर। तो ये तो आप समझ गए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। यहाँ पर आपको थ्रेन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको सेटिंग में भाई सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको प्राइवेसी पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको चेक कर लेना भाई आपका अकाउंट प्राइवेट तो नहीं है। अगर आपका अकाउंट प्राइवेट होगा तो भी यहाँ पर आपका इन्वाइट कोलबेटर का ऑप्शन शो नहीं होगा। तो मैंने इस वीडियो में आपको ऐसे 5 रीजन तो बता दिए जिनकी वजह से आपके अकाउंट पर इनवाइट कोलबेटर का फीचर शो नहीं करता है। बट यहाँ पर काफी सारे बंदे ऐसे भी होंगे जिनके अकाउंट पर वो सब चीजें भी सही होगी लेकिन फिर भी उनके अकाउंट पर इनवाइट कोलबेटर का जो फीचर होता है वो शो नहीं कर रहा होगा। अगर आपके अकाउंट पर वो सब चीजें सही है लेकिन फिर भी आपके अकाउंट पर इनवाइट कोलबेटर का फीचर शो नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है, ठीक है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आपको करना क्या, यहाँ पर आपको सबसे पहले प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको पोस्ट पर क्लिक करना है। पोस्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक फोटो सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पर आपको एरो पर क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से एरो पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर आपको करना क्या भाई, यहाँ पर आपको टैग पीपल पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपका इनवाइट कोलबेटर का फीचर शो नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या भाई, यहाँ पर आपको इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, यहाँ पर जैसे आप स्क्रीनशॉट ले लोगे उसके बाद यहाँ पर आपको बैक आ जाना है एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूं भाई यहाँ पर आपको रिपोर्ट भी आपको अच्छी तरीके से करनी होती है। यहाँ पर आपको रिपोर्ट के बारे में आपको काफी सारे लोगों ने बताया होगा यूट्यूब पर, बट यहाँ पर मैं आपको कुछ अलग बताने वाला हूँ। अगर आप अच्छे तरीके से रिपोर्ट करते हो तो यहाँ पर आपकी रिपोर्ट एक्सेप्ट हो जाती है, यानी इंस्टाग्राम जो आपकी प्रॉब्लम होती है भाई उसको देखता भी है एंड यहाँ पर सोल्व करता भी है, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने भाई काफी सारे अकाउंट पर एक्सपेरिमेंट किया है, उन सब अकाउंट पर मतलब अगर आप रिपोर्ट अच्छे तरीके से करते हो तो भाई वो काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या भाई, यहाँ पर आपको थ्रेन पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको हेल्प पर क्लिक करना है। हेल्प पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रिपोर्ट प्रॉब्लम पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलता है सेफ फोन टू रिपोर्ट प्रॉब्लम, इसको आपको डिसेबल कर देना है। यहाँ पर आपको रिपोर्ट प्रॉब्लम पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, ये ऑटोमेटिकली स्क्रीनशॉट ले लेता है। इस स्क्रीनशॉट को यहाँ पर आपको हटा देना है एंड यहाँ पर आपको गैलरी पर क्लिक करना है एंड वो वाला स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपको ऐड करना है भाई जहाँ पर आपका इनवाइट कोलबेटर का फीचर शो नहीं कर रहा है। यहाँ पर आपको करना क्या भाई, यहाँ पर आपको उस स्क्रीनशॉट को ऐड कर देना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ लिखना है। अब यहाँ पर आपको लिखना क्या है भाई, बहुत ही ध्यान से समझना है क्योंकि इसी का खेल है बस लिखने का, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पर आप देख सकते हो भाई यहाँ पर मैंने लिखा है डियर इंस्टाग्राम टीम, आई फॉलो ऑल योर गाइडलाइन बट स्टिल इनवाइट कोलबेटर ऑप्शन इज नॉट विजिबल ऑन माई अकाउंट, प्लीज ट्राई टू ब्रिंग इट ऑन माई अकाउंट एज सून एज पॉसिबल। एंड गाइस इतना लिखने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या भाई, यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपको सेंड रिपोर्ट पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे अब यहाँ पर आपकी रिपोर्ट इंस्टाग्राम के पास जा चुकी है और यहाँ पर आपको वेट करना है भाई 7 से 8 दिन का, क्योंकि भाई इंस्टाग्राम के पास काफी सारी रिपोर्ट जाती है और उन लोगों को जो ना मतलब काफी सारी रिपोर्ट चेक करनी होती है तो यहाँ पर आपको कुछ टाइम भी लग सकता है, तो यहाँ पर आपको वेट करना है। एंड गाइस यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपका अकाउंट बनाया है ना भाई तो यहाँ पर आपको तुरंत से इनवाइट कोलबेटर का फीचर नहीं मिलेगा, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखना, अगर आपने अपना अकाउंट नया बनाया 10 दिन हुए या फिर 15 दिन हुए या फिर यहाँ पर आपको 1 महीना हुआ है तो यहाँ पर आपको वेट करना है, क्योंकि भाई इनवाइट कोलबेटर का जो ऑप्शन होता है यहाँ पर वो 3 महीने के बाद आपके आईडी पर आपके अकाउंट पर एनेबल होता है, यानी कि 3 महीने के बाद वो मिलता है। लेकिन काफी सारे अकाउंट ऐसे भी देखे गए हैं जिनके अकाउंट पर 1 महीने के बाद ही मिल जाता है, फिर 15 दिन के बाद ही मिल जाता है, बट वो अकाउंट भाई ऐसे होते हैं जो अपना रियल कॉन्टेंट डालते हैं, मतलब जैसा भी किसी का कॉपी नहीं होता है एंड यहाँ पर वो एक काम और करते हैं, यानी कि आपको भी मतलब करके देख लेना एक्सपेरिमेंट, यानी आप जब फोटो पोस्ट करते हो यहाँ पर आपको मल्टीपल फोटो को पोस्ट करना है, यानी कि यहाँ पर आपको 1 से 2 या फिर 3 फोटो एक साथ अपलोड कर देने इंस्टाग्राम पर एंड यहाँ पर आपको हैशटैग लगाने इंस्टाग्राम से रिलेटेड एंड यहाँ पर आपको मेंशन भी कर देना भाई इंस्टाग्राम को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट कर देना है एंड यहाँ पर अगर आप ये काम 3 से 4 दिन करोगे तो यहाँ पर 100% यहाँ पर आपका इनवाइट कोलबेटर का ऑप्शन जल्दी आ जाएगा, बट यहाँ पर मैंने आपको बता दिया भाई यहाँ पर फिर भी 3 महीने का टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक अकाउंट और बनाया था, मैंने उस पर एक्सपेरिमेंट किया, मैं देखता हूँ कि इस अकाउंट पर कितने दिनों में मिलता है, तो उस अकाउंट पर भाई पूरे 3 महीनों के बाद मुझे इनवाइट कोलबेटर का ऑप्शन मिला था, तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर आपकी नई आईडी तो यहाँ पर आपको वेट करना है, अगर आपकी ओल्ड आईडी है तो मैंने आपको बता दिया भाई इस वीडियो में कि आपको क्या करना है भाई कैसे करना है। लिटरली गाइस जो जो चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है वो सब अगर आप ट्रिक अप्लाई करोगे तो भाई 100% आपका इनवाइट कोलबेटर का फीचर आ जाएगा, लेकिन अगर फिर भी नहीं आता 1% तो यहाँ पर आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिखाई दे रही है भाई वसीम की, यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम पर सर्च करना है एंड यहाँ पर आप मुझे फॉलो करके भाई मैसेज कर सकते हो। यहाँ पर आप जो भी मैसेज करोगे तो यहाँ पर मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान नहीं, यहाँ पर आपको अपनी प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट ऐड करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको मुझे मैसेज सेंड करना है, ठीक है, जिससे मुझे पता चल जाएगा भाई आपके इंस्टाग्राम आईडी में दिक्कत क्या है। आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल पर आपके लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहता हूँ। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर।